आज ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो सेमिनार था, इससे आई रिमेम्बर कि जब मैंने 88 में ग्रेजुएशन किया तो मैंने जो फर्स्ट हाउस जॉब की दैट वाज इन सर्जिकल यूनिट 2 और दैट वाज यूनिट ऑफ डॉक्टर खालदा उस्मानी, और उसमें बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर पे ही रिसर्च होती थी और सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स उसी यूनिट में आते थे। तो एक चीज़ जो मैंने नोट की उन पेशेंट्स के अंदर के, वो जब बाद में हम वहीं पर ही उनको कीमो भी उस ज़माने में लगाते थे, हम मतलब हम डॉक्टर्स ही लगाते थे, तो जो पेशेंट्स जिनके हस्बैंड्स की बहुत अच्छी सपोर्ट थी या जिनकी फैमिलीज की बहुत अच्छी सपोर्ट थी, मैंने देखा कि उनकी रिकवरी मतलब बहुत अच्छी होती थी और वो जल्दी मतलब जल्दी वैसे भी रिकवर हो जाते थे और डिजीज़ से भी मतलब क्योर हो जाते थे। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगी कि फैमिली सपोर्ट एंड हस्बैंड सपोर्ट जो है दैट इज़ मैंडेटरी और इसकी क्योर के अंदर। तो अपना ख्याल रखिए और जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको पिंक रिबन कैंपेन में जो कुछ भी बताया गया है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए और उसको आगे पहुँचाइए।